इस देश के अंदर जो आवाज उठाएगा उसको गोली मिलेगी या उसको जेल मिलेगी। अगर दलित कोई आवाज उठाता तो आतंकवादी है, मुसलमान कोई आवाज उठाता तो आतंकवादी है, जेल में डाल दिया जाए है? और वो अगर कुछ भी करें, वो देश में नंगा नाच करें, देश की राजधानी में नंगा नाच करें, वो कोई स्टेटमेंट करें, कोई कार्रवाई नहीं है। छोटी बनती रहे और आप सत्ता में बनते रहे, आपको जानते ही नहीं क्या लोग? आपको जानते हैं लोग। आपने 2002 में दंगे फैलाए ना गुजरात में, आपको एक्सपीरियंस था दंगे फैलाने का। आज आपने 2020 में दिल्ली में भी कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ आज देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। 13,000 से ज्यादा कॉल की गई पुलिस को, कहाँ थी पुलिस बताइए? 2 दिन नंगा नाच होता रहा, चुन चुन के मुस्लिम लोगों के घरों में आग लगाई गई, कहाँ थी पुलिस बताइए? दो हमारी है जंतर मंतर पर जो आए हैं, हमारी डिमांड है कि देश का संविधान बचना चाहिए। देश का संविधान खतरे में है क्योंकि देश के संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, जानबूझकर ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि जो देश के संविधान है वो करोड़ों लोगों को, जो देश के 125 करोड़ लोग हैं उनको ताकत देते हैं, उनको ताकत देते हैं। मगर कुछ चंद लोग उस ताकत को ख़त्म करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश का संविधान ख़त्म हो जाए, मनुस्मृति से देश चल जाए। तो फिर वही जो हायरार्की में सबसे ऊपर है, जो ब्राह्मणवाद है, वो पनप जाए। ये ब्राह्मणवाद को पनपाना चाहते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नहीं, आपको क्यों लगता है संविधान खतरे में है ना संविधान? यहाँ आज़ादी नहीं है बोलने की। आप तो वो चुनेंगे कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, वो चुनेंगे हमें क्या पहनना क्या नहीं पहनना, वो चुनेंगे हम घोड़े पे जाएंगे या हाथी पे जाएंगे, वो चुनेंगे हम। बताइए, हमारा कोई व्यक्ति है, अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति अपनी बारात को निकालना चाहता है, अपनी बारात को घोड़े पर निकालना चाहता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। अगर हमारा दलित समाज का कोई व्यक्ति मूंछ रखाता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। अगर कोई चश्मा लगाता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। अच्छे कपड़े पहनता तो उनको प्रॉब्लम होती है। जो लाठी दलितों पर पड़ती थी, आज वो लाठी मुसलमानों पर पड़ रही है। धर्म के आधार पर वो मुसलमानों को इस देश में सारे अधिकार छीनना चाहते हैं, वोटिंग का अधिकार छीनना चाहते हैं, NRC क्या करना चाहते हैं? ना सबको लोग बराबर होना, जब धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए तो वो आप CA क्यों बनाएंगे धर्म के आधार पर? आर्टिकल 14 कहता है कि धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बना सकते, तो आप कौन होते हैं धर्म के आधार पर कानून बनाने वाला? आप इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं जिससे कि आपकी राजनीति रोटी बनती रहे और आप सत्ता में बनते रहे। आपको जानते ही नहीं क्या लोग? आपको जानते हैं लोग। आपने 2002 में दंगे फैलाए ना गुजरात में, आपको एक्सपीरियंस था दंगे फैलाने का। आज आपने 2020 में दिल्ली में भी कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ आज देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो देश को बचाना है तो पहले संविधान को बचाइए। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। लेकिन गृह मंत्री का कहना है कि जो लोग CA का विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो दलितों का भी विरोध कर रहे हैं। पर जो गृहमंत्री हैं, गृहमंत्री जी इस देश में गृहमंत्री बनने लायक नहीं, क्योंकि देश के गृहमंत्री कहते हैं कि ऐसा बटन दबाओ कि जो हमारी दादी बैठी हैं, नानी बैठी हैं शाहीनबाग में, उनको करंट जाके लगे। जो हमारी दादी नानी फूफियों के लिए करंट लगाना चाहता है जो व्यक्ति, जो हमारे लोगों को मारना चाहता है जो व्यक्ति, क्योंकि उस पर एक ही काम आता परफेक्टली, और कोई काम नहीं आता, दंगे कराना। वो दंगे कराए उन्होंने, 2002 में दंगे कराए और अब दंगे करा दिए। तो वो लोगों को परेशान करना चाहता है। देश के गृहमंत्री जिन पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो हमारी सुरक्षा करेगा, तो वो हमको मारना चाहता है। वो कहता है करंट लगाना चाहता है, आज वो करंट लगवा रहा है पुलिस के माध्यम से, आज वो गोली लगवा रहे हैं पुलिस के माध्यम से। तो उनसे उम्मीद करना, उनकी किसी बात पे भी विश्वास करना, आज पूरे देश के अंदर ऐसा हो गया है कि कोई उनकी बात पे विश्वास ही नहीं करता है। दिल्ली में जो हिंसा हुई है, मैं पूर्ण रूप से सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि सरकार जिम्मेदार है जो पुलिस देश में है रक्षा के लिए। आज भी दिल्ली में पुलिस कॉम्पिटेंट है, पुलिस पर लोग विश्वास करते हैं। जरा सी कोई बात होती है, कोई अगर गाली भी देता है तो पुलिस को फोन किया जाता है। 13,000 से ज्यादा कॉल की गई पुलिस को, कहाँ थी पुलिस बताइए? 2 दिन नंगा नाच होता रहा, चुन चुन के मुस्लिम लोगों के घरों में आग लगाई गई, कहाँ थी पुलिस बताइए? कहाँ गई पुलिस? पुलिस ने जानबूझ कर कराया और ऐसे लोगों को आगे कराया गया। उनका मिनिस्टर बोल रहा है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, आपने देखा होगा। उनका जो होम मिनिस्टर है वो खुद बोलते हैं, कपिल मिश्रा टुच्चा सा एक व्यक्ति जिसकी कोई अपनी औकात नहीं है बताइए। और कभी वो आम आदमी पार्टी में जाता है, कभी वो किसी पार्टी में चला जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, और जिसने दंगे फैलाए उसको Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है, तो हम कैसे विश्वास करें कि न्याय होगा? और चुन चुन के लोगों को बंद किया जा रहा है, पुलिस को ये कि कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को पकड़ा गया, उन्होंने बोला है ले लो आज़ादी। ये पुलिस का कौन सा चेहरा है? पुलिस CCTV तोड़ रही है, पुलिस बोल रही है जनगण मन गाओ, ये कौन सा चेहरा है पुलिस का? पुलिस किसके लिए? न्याय के लिए है पुलिस, पुलिस किसी धर्म के लिए नहीं है। न्याय व्यवस्था से भी उम्मीद नहीं है न्याय की? कोई न्याय व्यवस्था से कोई उम्मीद नहीं है इस देश में, न्याय व्यवस्था नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। हमें सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट CU मोटो ले, हाई कोर्ट मोटो, कुछ जज होते हैं, S. मुरलीधरन जज थे, उन्होंने
बोला 24 घंटे में एफआईआर लगाओ, उनका तबादला कर दिया गया। आप बताइए इस देश के अंदर जो आवाज उठाएगा उसको गोली मिलेगी या उसको जेल मिलेगी? अगर दलित कोई आवाज उठाता तो आतंकवादी है, मुसलमान कोई आवाज उठाता तो आतंकवादी है, जेल में डाल दिया जाए। और वो अगर कुछ भी करें, वो देश में नंगा नाच करें, देश की राजधानी में नंगा नाच करें, वो कोई स्टेटमेंट करें, कोई कार्रवाई नहीं है। तो आज क्या हो रहा है, धर्म के आधार पर काम हो रहा है। हमने उस जंग को सबसे ज्यादा सहा है, हमने सहा उस जंग को सबसे ज्यादा। आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, ओबीसी के साथ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सर जो सीए कानून पास हुआ वो भी तो संविधान के द्वारा ही पास हुआ संसद में सर। संविधान के द्वारा पास हुआ मगर उनकी ही मेजोरिटी है। आप मेजोरिटी में आने के बाद में संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं तोड़ सकते। यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर सकते, आप बेसिक स्ट्रक्चर खत्म करना, आप जो मूल भावना है संविधान की, मूल भावना समाज समता की जो, उसको खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि धर्म के आधार पर ये देश डेमोक्रेसी देश है ना, ये देश सेकुलर देश है। आप धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बना सकते क्योंकि स्टेट का कोई धर्म नहीं होता है। आप फिर कैसे धर्म के आधार पर बना सकते हैं? आप क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सेकुलर स्टेट है। और आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, ये भारत है, ये हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं कुछ लोग। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, नेपाल में क्या पैदा होते हैं? सिर्फ चौकीदार पैदा होते हैं। आप हमारे देश में चौकीदार पैदा करने, प्रधानमंत्री ने गलती से बोल दिया कि मैं चौकीदार हूँ तो सबको चौकीदार बनाना चाहते हैं। हम तो चौकीदार नहीं बनना चाहते, हम तो आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बनना चाहते हैं, देश पर सत्ता में जाना चाहते हैं। तो आप इनको चेंज करें, आप इसको हिंदू राष्ट्र ना बनाएं। ये जैसा भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई प्यार से रहेंगे। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस समाज की कल्पना करते थे कि हम समाज समता मैत्री भाईचारा स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें आज़ादी होनी चाहिए, क्या पहने हमें आज़ादी हुई है, क्या क्या हम करें, हमें आज़ादी नहीं है। सर आपने अभी कपिल मिश्रा का नाम लिया, कपिल के उनके भाषण से भी हिंसा फैली है बिल्कुल। लेकिन कहने के कपिल मिश्रा तो इतने उदास है, वो कह रहे मैं होली भी नहीं मनाऊंगा, उन्होंने ट्वीट करके कहा। उन्होंने खून की होली मना ली तो रंगों की होली की क्या जरूरत है? जिस व्यक्ति ने खून की होली मना ली दिल्ली के अंदर, उनको रंग की होली की क्या जरूरत है? होली तो वो मनाएंगे बेचारे उनके घर में जिनके लाल चले गए हैं, जो ड्राइवर है ऑटो ड्राइवर की क्या, उसे क्या लेना देना ऑटो ड्राइवर को, मजदूर को क्या लेना देना, उठा उठा कर लोगों को मारने का काम किया है। आप बताइए मार्च भी निकाल रहे हैं। हाँ शांति मार्च तो कुछ भी निकालते हैं, अब तो दिखाने के घड़ियाल वहाँ से कर रहे हैं, सबको पता है किसने क्या करा है। कोई आदमी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई आदमी अगर आंदोलन कर रहा है तो सरकार है इस देश के अंदर, पुलिस है इस देश के अंदर, वो बात करेगी उनसे। आप कौन होते हो उनको हटाने वाले? आप पुलिस हो, आप कमिश्नर हो, आप सरकार हो, कौन हो आप? आप हो कौन? आप टुच्चे से एक व्यक्ति हो जो वहाँ के दंगा फैलाते हो। अगर कोई व्यक्ति अगर सड़क पे भी है तो पुलिस है ना, पुलिस हटाएगी उन लोगों को, कोर्ट है ना, कचहरी है ना, सरकार है ना, डायलॉग करेगी सरकार, उनसे बात क्यों नहीं करना चाहते? आप कौन हो? आपने दंगा फैलाया, और दंगा फैलाया जो मीडिया है, जो मीडिया है, मीडिया ने कपिल मिश्रा की बात नहीं करी, मीडिया दिखा रही है शाहरुख को, दिखा रही है जिसने गलती करी है उसको पकड़ना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं पकड़ो, मगर आप मुस्लिम समाज के चेहरों को दिखा रहे हो और जो इन्होंने दंगा फैलाया उनको कोई नहीं दिखा रहे। आप उनको क्लीन चिट दे देते हो, मीडिया ही तो जज हो रही है, मीडिया ही पुलिस हो रही है, मीडिया ही न्यायालय हो, सब कुछ मीडिया हो रही है, तो वो मीडिया भी उनका काम कर रही है। धन्य सोशल मीडिया, जो आप जैसे लोग हैं सोशल मीडिया वाले, सोशल मीडिया लोग काम कर रहे हैं तो उनका संदेश ज़्यादा देते हैं। देश भर में सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में हिंसा भी हुई, लेकिन मोदी जी का इसी बीच में ट्वीट आता कि मैं सोशल मीडिया छोड़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने मैं तो देखो उन्होंने मैंने कहा कि सोशल मीडिया मत छोड़ो, आप अपने अंदर की जो एक हेटेड है आपके अंदर, जो एक आपके अंदर एक जलन है दूसरे लोगों को देखकर, उसको छोड़ो, उसको छोड़ना चाहिए। आप सोशल मीडिया से क्यों छोड़ना चाहते हो? उन्होंने देखिए मैं सोशल मीडिया नहीं छोड़ूंगा, वो छोड़ना चाहते हैं, हर चीज़ छोड़ना चाहते हैं। जितना झूठे प्रधानमंत्री हैं उतना झूठा देश का कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक रोजगार नहीं दिया। उन्होंने कहा 15-15 लाख देंगे, एक कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दलितों को मत मारो, मुझे गोली मारो। प्रधानमंत्री का ये काम थोड़ी है, प्रधानमंत्री का काम है कि नहीं, आज से ये कानून लागू होता है कि कोई भी शोषण नहीं करेगा, मगर नहीं है। मुसलमानों को मारा गाय के नाम पर, मारा अखलाक को, मारा गाय के नाम पर, मारा मॉब लिंचिंग करी। क्यों मार रहे हो मेरे भाई, बताओ ना क्यों मारा? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो भी तो इंसान है। इस देश के निर्माण में सड़क से लेकर संसद तक बनाने में निर्माण मुस्लिम समाज का है, और मुस्लिम समाज यहाँ के बाइज्जत शहरी हैं, यहाँ के लोग हैं, आज़ादी में उनकी भागीदारी है, वो लोग हमारे साथ मिलकर देश का निर्माण करते हैं। क्यों भगाना चाहते हो, क्यों दलितों को भगाना चाहते हो? हम तो ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी लोग अमन प्रस्त लोग हैं, चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे दलित समाज है, चाहे और ओबीसी समाज है, सारे इकट्ठे हो जाओ और इनका एक ही तरीका देश से भगाने का, जैसे दिल्ली में भगाया है वोट के आधार पर, उत्तर प्रदेश में भगाओ, बिहार में भगाओ, देश के सारे राज्यों में भगा दो इनको, तो ये अपने आप चले जाएंगे, तो फिर देश में अच्छा अमन होगा, अपन चैन होगा, सब कुछ हो जाएगा। सर दिल्ली में बीजेपी को भगाने से फायदा क्या मिला, जब केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री अमित शाह से मिलकर आए, सकारात्मक विचार हुई है मीडिया में, ऐसा उन्होंने कहा?
देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी है, बीजेपी देश के अंदर संविधान को खत्म करना चाहते, खतरा है इंसानियत में, खतरा है। तो सबसे बड़ी जो दुश्मन है वो बीजेपी है। बीजेपी जो आइडियोलॉजी है, जो आरएसएस उसके पीछे है, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और हम लोग चाहते हैं कि ये देश संविधान के अकॉर्डिंग चले। तो और जो सरकारें हैं, अगर वो सरकारें भी ऐसा करेंगी तो वो भी देश से चली जाएंगी, ऐसा नहीं नहीं जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने सबसे बड़ी जो इसमें देश के अंदर सीए कौन कौन लेके आया, कौन सीए लेके आया, बीजेपी लेके आई है, डायलूट किन ने कराया सीएचए, वो बीजेपी ने कराया। देश में दंगा कौन फैला रहा, बीजेपी फैला रही है। देश में हिंदू मुसलमान कौन रहा, बीजेपी कर रही है। तो सबसे बड़ा जो देश के अंदर ये जो कोहराम मचा रखा है, बीजेपी ने मचा रखा है। सबसे बड़े हमारा टारगेट बीजेपी। सर एक आखिरी सवाल है, जब कहा जा रहा है कि न्याय व्यवस्था पर विश्वास है ना, पुलिस पे ना, सरकार पे ना, जितने एजेंसियां हैं, तो फिर आखिर विकल्प क्या होगा, कैसे लड़ा जाएगा? लड़ा जाएगा वोट से, लड़ा जाएगा वोट से, लड़ा जाएगा इकट्ठा होकर लड़ा जाएगा सब लोगों को। सर दूसरी सरकार भी तो ऐसी हो सकती है। देखो सरकारें जब होंगी बदली जाएगी। कांग्रेस ने भी बहुत सोच किया, कांग्रेस को बदल दिया गया, मगर आज तो हमारे अस्तित्व पे है। हमें ये महसूस हो रहा है कि हम तो इस देश के नहीं है, हमें परिचय देना पड़ रहा है कि मैं इस देश में पैदा हुआ नहीं हुआ। लोगों ने दिल्ली में विकल्प चुना ना केजरीवाल, तो रिजल्ट तो वही निकला। फिर भी केजरीवाल कम से कम इतना तो नहीं है कि वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं, देश के बंटवारा कर रहे हैं। कम से कम इतना है कि वो एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर लोगों को। जाति के नाम पर भेज रहे हैं, जाति तो हर जगह है ना, जाति है, मगर यहाँ इंसानियत को खतरे में है। जाति की बात नहीं, इंसानियत खतरे में है। पहले इंसानियत को बचाया जाए, पहले जाति को बचाए, इंसानियत को बचाया जाए। लड़ाई इंसानियत को बचाने की है, क्योंकि वो इस देश के अंदर जो 25 करोड़ लोग हमारे मुस्लिम समाज हैं और 30 करोड़ जो दलित समाज है, 50 करोड़ लोगों की जो नागरिकता उसको खतरे में है, और देश के उन लोगों की नागरिकता खतरे में है जो घुमांतु जातु हैं, जो आदिवासी लोग हैं, ये खतरे में है समाज, ये उनकी वोटिंग खतरे में कर देंगे। तो आज संविधान को बचाने की जरूरत है, इस सरकार को हटाने की जरूरत है, ना कि सिर्फ किसी पर टीपा टपने की जरूरत है। सरकार को हटाया जाए।